स्वागत है आप सबका फिर से एक नए दिन के साथ, एक नए सुबह, एक नए सफर, एक नए ब्लॉग में। गाइज आज अपना माता पिता संग धाम तीर्थ यात्रा का 32वां दिन आरंभ हो गया, ठीक है, 32 डेज। और अभी हम लोग हैं रामेश्वरम में। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे समुद्र तट के नज़ारे, ठीक है, पीछे एकदम पानी पानी है, समुद्री समुद्र है। और घाट पर लोगों की भीड़, रश, ओ भाई औसम भीड़ है ना। तो आज के इस ब्लॉग में रामेश्वरम दर्शन करेंगे। रामेश्वरम आप बाय बस, बाय रोड, कौन सा नज़दीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा, रामेश्वरम भी रेलवे स्टेशन है लेकिन फिलहाल बंद है, तो कौन सा नज़दीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा, आप आने के बाद आप कहाँ पर विजिट कर, कहाँ स्टे करेंगे, धर्मशाला कमरे किस तरह के बजट में मिल जाएंगे, ठीक है, और खाने पीने की भोजन प्रसाद की कहाँ पर क्या सुविधा है, ठीक है, क्योंकि मंदिर के प्रांगण में भोजनालय है। तो आज के इस ब्लॉग में हम सारी चीज़ों को दर्शाएंगे, ठीक है। और धनुषकोड़ी जिसको राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो धनुषकोड़ी जाने के लिए कहाँ से बस मिलेगी, कितना किराया पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये आप दर्शन कर पा रहे समुद्र अग्नि तीर्थम, ठीक है, इस जगह का नाम है हरी बल। और दर्शनार्थी श्रद्धालु भक्तगण स्नान आदि कर रहे, पूरे समुद्र लोगों के स्नान कर रहे, लोगों से भरा हुआ है, ठीक है। इधर आप देख पा रहे हैं, इधर में माँ और पापा स्नान के लिए समुद्र में उतर गए हैं, ठीक है। रामेश्वरम में समुद्र तट पे अपने यहाँ के भाई लोग मिले, ठीक है, तो बात की, बहुत अच्छा लगा भाई लोग से बात करके, थोड़ा थोड़ा हिंदी और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश, तो ठीक है। तो गाइस रामेश्वरम आप बाय बस और बाय ट्रेन आ सकते हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन रामेश्वरम है, लेकिन रामेश्वरम जो है रेलवे स्टेशन पर फिलहाल अभी काम चल रहा है जिस वजह से रेलवे स्टेशन बंद है। तो आपका जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वहाँ से अगर आपका यहाँ पर नज़दीकी रेलवे स्टेशन रामेश्वरम का हो गया मांडपम, तो अगर आपको मांडपम तक की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है तो आप मांडपम डायरेक्ट आ सकते हैं बाई ट्रेन। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप चेन्नई आ सकते हैं, मदुराई आ सकते हैं, ठीक है, मदुराई चेन्नई, यहाँ से आकर के फिर आपको ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, फिर आप रामेश्वरम मांडपम का ट्रेन ले सकते हैं, ठीक है। तो रामेश्वरम आप बाय ट्रेन आ सकते हैं, बाय बस आपको चेन्नई आना पड़ेगा, मदुराई आना पड़ेगा, और यहाँ से फिर आपको बस मिल जाएगी, ठीक है, चेन्नई और मदुराई से रामेश्वरम के लिए। यहाँ पर आने के बाद आप रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो वहाँ से आपको बस मिल जाएगी रामेश्वरम बस स्टैंड के लिए, जो कि 15 रुपये किराया लेगी, ठीक है, ऑटो वाले ज़्यादा लेंगे। और रामेश्वरम बस स्टैंड आने के बाद आपको वहां से 7 रुपया या 10 रुपया बस का किराया, ठीक है, एक बस में 7 रुपया, दूसरे बस में 10 रुपया, तो ऐसे किराए पड़ेंगे रामेश्वरम बस स्टैंड से रामेश्वरम मंदिर तक का। बाकी ऑटो में अगर आप आते हैं तो 20 रुपये अगर को 1%, ठीक है। मंदिर के पास पहुंचने के बाद आप सबसे पहले कमरे लेंगे, ठीक है, रहने के लिए। तो रहने के लिए जब आप कमरे लेंगे तो 2 नाइट का अगर आप कमरा, मतलब 2 दिन का प्लान बुक करते हैं यहाँ के लिए रामेश्वरम के लिए, तो इनफ होगा, ठीक है, 2 दिन में आप रामेश्वरम घूम लेंगे। तो 2 रात के लिए कमरे बुक कर लेते हैं, धर्मशालाएँ, होटल आपके बजट में मिल जाएंगे, 500, 600, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1500, सभी तरह की, ठीक है। 2 दिन में आप सबसे पहले दिन आप जब आएँ तो पहले रामेश्वरम महादेव के दर्शन कीजिए, ठीक है। रामेश्वरम में दर्शन करने से पहले आप अग्नि तीर्थम में स्नान आदि करना पड़ता है, जो कि ये समुद्र तट है, ठीक है, इधर में समुद्र तट है अग्नि तीर्थम, ठीक है, दिखाते हैं आप लोगों को जो भीड़ है। तो मंदिर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य गेट है, वहीं से आपका अग्नि तीर्थम के लिए मार्ग आता है, ठीक है, ये आप पीछे देख पा रहे हैं, ये अग्नि तीर्थम ही है, ठीक है, अग्नि तीर्थम घाट का नाम है, समुद्र का नाम है। तो लोग पहले यहाँ पर स्नान आदि करते हैं, उसके बाद फिर रामेश्वरम महादेव के दर्शन के लिए मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मंदिर की तरफ आगे बढ़ने के बाद आपको 22 तीर्थों का जल मिलेगा मंदिर के प्रांगण के अंदर, ठीक है, वो दूसरे द्वार से जाते हैं, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे वीडियो में। तो 22 तीर्थों के जल के स्नान के बाद उसके लिए आपको 25 रुपये का कूपन कटाना पड़ेगा, मंदिर के अंदर ही काउंटर रहेगा, वहाँ पर आप 25 रुपये का कूपन कटा लेंगे, ठीक है।
और कूपन कटाने के बाद आप अंदर चले जाएंगे, लोग एक एक कूप मतलब एक एक कुंड के पास में लोग खड़े रहेंगे, बाल्टी से पानी निकालेंगे, आप पे ढाल देंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से 22 तीर्थों के जल से आप स्नान कर लेंगे। स्नान के बाद आप जाएंगे रामेश्वरम महादेव के अंदर अंदर, मंदिर के अंदर अंदर ही आप चले जाएंगे, बाहर निकल के भी जा सकते हैं दूसरे द्वार से, लेकिन अंदर अंदर ही आप चले जाएंगे, वो ज़्यादा ईजी होगा और कम रास्ता भी पड़ेगा, ठीक है। तो जा कर के रामेश्वरम महादेव के पहले दिन आप दर्शन कर लिए, दर्शन करने के बाद फिर बाहर निकले, थोड़ा रेस्ट किए कमरे पर आकर के, उसके बाद प्रसाद, भोजन प्रसाद जो कि रामेश्वरम मंदिर के प्रांगण में ही है, सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक, तो आकर के भोजन प्रसाद भोजनालय वो दूसरे द्वार पर है, ठीक है। 4 द्वार हैं रामेश्वरम मंदिर के, ठीक है। तो भोजन प्रसाद का द्वार अलग है, आपको पूछ लेना पड़ेगा, बाकी मैं वीडियो में भी दिखा दूँगा। तो वहाँ पर आकर के भोजन प्रसाद पा लिए, उसके बाद फिर आराम करना है तो कमरे पर आराम किए, नहीं तो आप अनदर प्लेस आप विजिट कर लिए आसपास, ठीक है, जैसे पम्बन ब्रिज विजिट कर लिए और भी जो आसपास है मेमोरियल हॉल्स वगैरह सब, वो सब विजिट कर लिए, या फिर अगर आपके पास कम टाइम है, अगर उसी दिन एक नाइट का ही टाइम है, दूसरे दिन फिर निकलना है, तो आप उसी दिन फिर चले गए कहाँ चले गए, धनुषकोड़ी, ठीक है, जिसको राम सेतु कहते हैं। तो राम सेतु धनुषकोड़ी जाने के लिए आपको बस मिल जाएगी, बस में किराया 30 रुपये करके लेगा और आपको ऑटो में ज़्यादा लेंगे, ठीक है, 150-200 रुपया लेंगे, या शेयर अगर जाएंगे तो 50-60 रुपये से ज़्यादा ही लेंगे। तो बस में आपको यहाँ से बस मिल जाएगी, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये बस स्टैंड है, ठीक है, ये पूरा बस स्टैंड है, यहीं पर आके बस खड़ी होती है, ठीक है, ये बस स्टैंड है, ये जो आप देख पा रहे हैं ना अग्नि तीर्थम समुद्र तट, ठीक इसके पास में ही है बस स्टैंड, ठीक है। यहाँ से धनुषकोड़ी राम सेतु के लिए बस जाती है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं बस स्टैंड। तो बस आपको 15-20 मिनट आधे घंटे में बस मिल जाती है धनुषकोड़ी राम सेतु के लिए। तो चले गए वहाँ पर जा कर के धनुषकोड़ी राम सेतु दर्शन किए, इंडिया का लास्ट विजिट पॉइंट बोल सकते हैं, उसके बाद फिर आगे समुद्री समुद्र और उस पार श्रीलंका 18 किलोमीटर उधर, ठीक है। तो वो विजिट कर लिए, धनुषकोड़ी विलेज है वो भी विजिट कर लिए, जो कि 1970 में कितना में बाढ़ आया था, सुनामी आया था, तबाह हो गया था पूरा, 4,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, तो वो विजिट करके आ गए। उसके बाद फिर तो इधर उधर घूमे, बस यही है, रामेश्वरम दर्शन हो जाएगा आपका, बाकी अभी चलते समुद्र तट पे, ठीक है। और ये आप बस स्टैंड देख पा रहे हैं, ठीक है, यहीं से आपको धनुषकोड़ी के लिए बस मिलती है, ठीक है, अग्नि तीर्थम वहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड में। चलते हैं समुद्र तट पे, माँ पापा पूजा आदि कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, ठीक है। और मेरा तो डेली लाइफ का ब्लॉग रहता है, मतलब सुबह से रात तक का ब्लॉग रहता है, ठीक है, हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ दर्शन कर रहे हैं, क्या प्रसाद पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। तो एंड तक आप लोग बने रहना, सारी चीज़ें देख पाएंगे, ठीक है, एक तो ऐसे बता दिए, दूसरा आप देख पाएंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ प्रसाद पा रहे हैं, किधर क्या है ना, मंदिर के भी दर्शन करेंगे, ठीक है। समुद्र तट पे माँ पापा का स्नान आदि पूजा अनुष्ठान कार्य संपन्न हो गया, ठीक है। बाकी अभी पीछे पापा आ रहे हैं, माँ आगे बढ़ गई, ठीक है। और अभी हम लोग जा रहे हैं कमरे पे, ठीक है, कमरे चेकआउट करना, ठीक है। 22 घंटे का टाइम था हम लोगों का चेकआउट का, मतलब जितने बजे आप कमरे लेंगे उसके 22 घंटे बाद आपको कमरे चेकआउट करने होंगे। हम लोग 10 बजे लिए थे, 8 बजे तक 22 घंटे हो जा रहे हैं, 8 बजने वाले, 7:45 हो रहे हैं। तो अभी जाके सबसे पहले कमरे चेकआउट करेंगे, उसके बाद फिर क्योंकि आज हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, हम लोग यहाँ आज जाएंगे रामनाथपुरम शाम तक, क्योंकि कल सुबह में हम लोगों का रामनाथपुरम से ट्रेन है, तो कल अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, यहाँ से 50-55 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इसीलिए आज ही पहुँच जाएंगे, तो शाम तक पहुँचेंगे, दोपहर के बाद निकलेंगे, फिर शादा आदि पा करके दर्शन उर्शन करके। अभी कमरे पे आ गए, ठीक है, बाकी अभी बैग पैक करना है और कमरा चेकआउट करना है, ठीक है।
तो इधर अपना बैग हो गया, माँ अपना सब सामान तैयारी कर रही है, इधर पापा आ गए हैं और बैठे हैं थोड़ी देर। यही बढ़िया है कमरा, ठीक ठाक है, डबल बेड 3 पर्सन कमरा, अटैच हुआ वॉशरूम एरिया, ठीक है, इधर टेबल वगैरह चेयर बैठने के लिए। इस रूम का रेंट 415 रुपये, ठीक है। मैंने पूछा 15 रुपये क्या हिसाब किताब है, तो उन्होंने कहा कि आपका बिल बना के देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तो 415 रुपया और गुजरात भवन इस धर्मशाला का नाम, ठीक है, 400-500-600 रुपये का कमरा मिलेगा, बढ़िया कमरा है। अभी हम लोग कमरा छोड़ रहे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर रिसेप्शन पर है और रिसेप्शन पर से बिल बना, ठीक है, 422 रुपये, 414 रुपये का, ठीक है, जिसमें कि रूम का चार्जेस है 370 रुपये, बाकी GST है 6%, बाकी हल्का हल्का बारिश का मौसम है। इधर पीछे पापा है, माँ है, पापा के हाथ में बैग अभी हम ले लेंगे, ठीक है, तीनों बैग मेरे ही हाथ में रहता है। बाकी हाँ, पीछे मंदिर है, मतलब धर्मशाला के पास में ही मंदिर है, ये आप देख पा रहे हो पीछे मंदिर है, और ये मंदिर से धर्मशाला के इधर में आपका वो समुद्र तट अग्नि तीर्थ हम जहाँ पहले स्नान करते हैं, उसके बाद दर्शन करने जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं दर्शन का मुख्य द्वार, ठीक है, रामेश्वरम मंदिर का, और ये आप पीछे शिखर दर्शन कर पा रहे हैं रामेश्वरम मंदिर के, ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मंदिर के अंदर 22 पवित्र तीर्थों के जल से स्नान का रास्ता इधर है, ठीक है। तो इधर से आगे की तरफ जाएंगे तो गेट मिलेगा, उस गेट से आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, वहाँ से आप 22 तीर्थों के जल से स्नान के लिए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलते पहले अभी हम लोग इधर, माँ पापा चाय साय अभी होगा माँ पापा का। गाइस ये आप देख पा रहे हैं यहाँ बोर्ड पर लिखा है तीर्थ स्नान जाने का मार्ग, ठीक है, ये उत्तरी गेट, ठीक है, ये उत्तरी गेट है, यहाँ से आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे स्नान के लिए, तीर्थ 22 तीर्थों के जल से स्नान के लिए। आप देख, अभी हम लोग हैं उत्तरी गेट पे, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं ये द्वार है, ठीक है, एंट्रेंस अंदर जाने के लिए, यहाँ से आप अंदर जब प्रवेश करेंगे तो गेट के अंदर ही आपको काउंटर मिल जाएगा, 25 रुपये का कूपन कटाना पड़ेगा 1% को, तब जा कर के आप अंदर जाएंगे, 22 तीर्थों के कुंड से जल से आप स्नान करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर अंदर ही अंदर आप भगवान रामेश्वरम के दर्शन के लिए चले जाएंगे, ठीक है। बाकी स्नान के बाद आपको कपड़े बदलने पड़ते हैं, तो आपको एक कपड़ा अपने साथ में एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, ठीक है, भीगे कपड़ों में दर्शन के लिए नहीं जाते। तो ये आप देख पा रहे श्रद्धालु भक्त बन जा रहे हैं, ये मेन रोड है और इसी रोड से ये आप देख पा रहे चप्पल आदि यहाँ पर रख देते हैं, बाकी इधर में अन्ना लोग हैं, कोई बाल्टी लिए हुए खड़े हैं। तो आप ऐसे अगर पर्सनल आप बाहर से हायर करके लेके जाते हैं तो 100 रुपये लेंगे आपको 1% को, आपको अल्ग से पर्सनल एक एक बार जल नहवा, ठीक है, 100, 200, 300 जैसा बार भी। बाकी मेरा तो हिसाब से आप अंदर में जाओ, कूपन कटाओ 25 रुपये का, और आराम से जैसे जैसे सिस्टम है बना हुआ आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाओ, आपको हर कुंड का जल स्नान के लिए प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। गाइज़ ये आप मार्ग देख पा रहे हैं, ठीक है, जो कि मंदिर का मुख्य द्वार से इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर पहुँचने के बाद ये आप देख पा रहे हैं दक्षिणी द्वार, ठीक है, दक्षिणी मार्ग है ये, तो ये मार्ग, हाँ, ये मार्ग से जब आप अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो आपको मंदिर के अंदर भी प्रवेश कर पाएंगे, बाकी यहाँ से दर्शन के लिए भी जाते हैं, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं दर्शन के लिए स्पेशल दर्शन 100 रुपया 200 रुपया, बाकी वे टू जनरल दर्शन के लिए ऐसे ही जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको काउंटर पे मिल जाएगा आनंदम काउंटर, ठीक है, जहाँ पर आप प्रसाद के लिए कूपन ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये आप देख पा रहे हैं ये मंदिर का अंदर प्रवेश मार्ग है, लेकिन आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वे टू आनंदम, ठीक है, यहाँ से आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर काउंटर पर कूपन मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आप कूपन लेकर के, ये अन्ना कूपन लिए हैं, आप सीधा अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे प्रसाद के लिए, ठीक है, माता जी लोग जा रही हैं प्रसाद पाने के लिए। ये आप देख पा रहे हैं ये प्रसाद हॉल है, ठीक है, जब आप अंदर से कूपन लेकर के आएंगे तो इसी के अंदर पहुँचेंगे, ठीक है, और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, बाकी प्रसाद भोजन प्रसाद बहुत ही शानदार है, ठीक है, यहाँ पर हुंडी है दान के लिए, यहाँ पर काउंटर है दान देने के लिए, ठीक है, इधर माँ और पापा बैठे हुए हैं। तो गाइस ये आप देख पा रहे प्रसाद हॉल, ठीक है,
केले के पत्ते पर प्रसाद मिलता है, ठीक है, लोग बैठे हुए प्रसाद पाने के लिए पर भोजन प्रसाद सांबर राइस चोखा और सब्जी, ठीक है, इसी तरह से भोजन प्रसाद वितरण हो रहा। तो गाइस प्रसाद आदि पा लिए, ठीक है, बाकी माँ काउंटर पे जो डोनेशन देना है वो डोनेशन दे रही है और पर्ची कटवा रही है, ठीक है, अगर आप काउंटर पे दे तो पर्ची जरूर कटवा लें, नहीं तो हिंदी में डालें, ठीक है, अगर आपको गुप्त दान करना तो वो भी गुप्त दान नहीं, मतलब पर्ची आपकी कट जाती है ना आपके नाम से, नाम पता एड्रेस मोबाइल नंबर सब कुछ सबमिट करना पड़ता है, बाकी ठीक है। ये पूरा हॉल है, मतलब इसी के अंदर प्रसाद हॉल है, जो कि जिसका रास्ता आपको दूसरे साइड से जहाँ से कूपन मिलता है वहीं के अंदर दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे बाहर की तरफ, बैग लेंगे, क्योंकि बैग उधर में रखा हुआ, तो बैग लेंगे और चलेंगे मंदिर के बाहर, ऑटो स्टैंड से ऑटो लेंगे, ठीक है, और चलेंगे बस स्टैंड जाएंगे रामेश्वरम बस स्टैंड से, फिर बस लेंगे और चलेंगे रामनाथपुरम, ठीक है। तो गाइज अभी हम लोग पहुँच गए मंदिर से बाहर, आ गए ऑटो स्टैंड, ठीक है, रोड पर आ गए, यहाँ पर बसें भी रुकती हैं और ऑटो भी मिलती है, ठीक है, यहीं से। तो बाकी अभी हम लोग ऑटो के लिए रुके हुए हैं, ऑटो आएगी तो फिर ऑटो से हम लोग जाएंगे बस स्टैंड। तो गाइज अभी हम लोग ऑटो ले लिए, ठीक है, आप बस स्टैंड के लिए, इधर पापा बैठे हैं, उधर माँ बैठी है, ठीक है, और लगेज पीछे रखा हुआ, और यहाँ से 1% सवारी 20 रुपये है ऑटो में, ठीक है, बस स्टैंड का। गाइज आप देख पा रहे हैं रामेश्वरम बस स्टैंड, ठीक है, इधर में ऑटो खड़ी है, बाकी इधर में बसें खड़ी है, ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे में बस खड़ी है, वहाँ से बस लेंगे अभी रामनाथपुरम के लिए, ठीक है, चलते हैं उधर माँ सामने में, अभी बस में आ गए, ठीक है, रामेश्वरम से बस ले लिए, ठीक है, और रामनाथपुरम बस स्टैंड उतर गए, ठीक है, और ये पीछे रेलवे स्टेशन है, रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन, ये सामने में ही है, और इधर में बस स्टैंड है, मतलब बस स्टैंड के अपोजिट में रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के अपोजिट में बस स्टैंड, ठीक है, और ये अपना होटल है, ठीक है, अभी होटल पे चलेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है, तो अभी चलते थोड़ा मार्केट थोड़ा घूमते, ठीक है, लगेज वगैरह सब होटल पे रख के आगे कमरे में रख करके आगे, ठीक है, फ़ोन थोड़ा डिस्चार्ज हो गया था अभी चार्ज में लगा करके फुल चार्ज करके फिर अभी बाहर आए, तो थोड़ा सा घूमते मार्केट आसपास रामनाथपुरम का और उसके बाद फिर कमरे पे चलेंगे। तो गाइज आप यहाँ का फास्ट फूड देख पा रहे, ठीक है, और इसका क्या नाम है, व्हाट इज़ पुपल्ली, ठीक है, अन्ना इधर में सेलिंग करता, नाइस बादाम बॉयलर और शकरकंद बॉयलर, ठीक है, और बाकी मक्का बॉयल है, ठीक है, नाइस है, हाँ, यूट्यूबर गाइस अभी कमरे पे आ गए, ठीक है, ठीक ठाक कमरा बढ़िया है, उधर में वॉशरूम एरिया है, ठीक है, अटैच है, बाकी उधर में लगेज अपना रखा हुआ है, ठीक है, टेबल पे बैग, बाकी ट्रिपल बेड कमरा है, ठीक है, इधर अपना सिंगल बेड है, उधर में डबल बेड है, ठीक है, उधर में मातो सो गए, उधर में पापा स्नैक्स वगैरह थोड़ा ले रहे, ठीक है, तो सही है, बाकी अभी खाना पीना हो गया, ठीक है, और अभी वीडियो एडिटिंग बाकी है, तो अभी वीडियो एडिटिंग करेंगे उसके बाद फिर सो जाएंगे, ठीक है, तो आज के इस दिन के इस सफ़र को इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, एंड कल फिर मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए सुबह, एक नए सफ़र, एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, बाय बाय।